जहाँ पे हम खड़े हैं ठीक इस जगह पे रविवार सुबह 10 बजे तक एक घर हुआ करता था। एक घर जो कंक्रीट का घर है, जो ईंट पत्थर का घर है, ऐसा नहीं कि जो एकदम कोई छोटा सा गोदाम था या कोई छोटा सा कॉटेज था। ये बाकायदा एक डेढ़ मंजिला मकान था जो कंक्रीट से बना हुआ था, वो कुछ नहीं है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पे खड़े होके, ना सिर्फ ये जो मकान था वो है नहीं यहाँ पे, वो बिल्कुल जिस तरीके से विस्फोट हुआ है, विस्फोट के चलते वो घर गिर चुका है और गिर के ऐसा हालत हो गया कि यहाँ पे कहीं पे घर था ये समझ में नहीं आ रहा है। और ये जो दूसरे सारे घर हैं जो इसके आसपास में हैं, आस पड़ोस में हैं, ये सारे घरों में इतने खराब तरीके से डैमेज हुआ है, आप देख सकते हो। ये एक नया घर है, इस घर इस रूम में भी जिस तरीके से डैमेज हुआ है उसका क्या कहना। कोई भी कंक्रीट का जो घर है आसपास में वो नहीं है। विस्फोट का जो मात्रा है वो इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि इसके पीछे एक पॉन्ड है, वहाँ पर भी हाथ पैर किसी का मुंडी ये गिर गया था। इंटेंसिटी ऑफ द ब्लास्ट बहुत ज़्यादा है, इंटेंसिटी विस्फोट का जो इंटेंसिटी वो बहुत ज़्यादा है। इस जगह से खड़े होके बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि इतना बड़ा विस्फोट कैसे हो सकता है अगर सिर्फ वो एक क्रैकर फैक्ट्री है। इतना बड़ा विस्फोट में एकदम जो ये जो घर है वो जो नहीं है वो कैसे हो सकता है अगर वो सिर्फ क्रैकर्स का है। इसके पीछे एक झोपड़ा है, कुछ जंगल टाइप की ज़मीन है, वहाँ पे हम लोग गए थे, वहाँ पे हम लोग देखे काफ़ी सारा बारूद पड़ा हुआ है, काफ़ी सारा स्टोन चिप्स पड़ा हुआ है। सवाल ये उठता है कि क्या फायर क्रैकर्स भी तैयार करने के लिए स्टोन चिप्स की ज़रूरत है? पहला सवाल ये है कि इतना बड़ा जो ब्लास्ट हुआ ये ब्लास्ट कि बहुत बड़ा है, और इसलिए ये बड़ा है ये सबूत देता है कि यहाँ पे जो एक डेढ़ मंजिला मकान खड़ा था वो अब है ही नहीं। दूसरा सवाल ये है कि स्टोन चिप्स क्यों इतने सारे इकट्ठे किए गए हैं? ये सारा बहुत कुछ सवाल उठाता है। हालांकि ऑपोजिशन ने NIA की मांग किया है। सवाल ये भी उठ रहा है कि ये जो ज़मीन है ये लोकल एक बंदा का है, और यहाँ पे और एक जो काम करवाता था करामत करके एक लड़का है जो जिसका मौत हो चुका है, पर कई सारे ऐसे जो लोग यहाँ पे काम करते थे वो मुर्शिदाबाद से आए हुए थे। मुर्शिदाबाद का शूती इलाका में ऐसे एक जगह से वो लोग आए थे जो बम बनाने के लिए काफ़ी मशहूर हैं, या फिर ये कहा जा सकता है कि बम बनाने के लिए उन लोगों का काफ़ी नाम है। क्या ये सिर्फ क्रैकर्स था? क्या ये जो फैक्ट्री यहाँ पे चलता था सिर्फ क्रैकर फैक्ट्री था और उससे बड़ा और कुछ? यही सबसे बड़ा सवाल है जिसका तफ्तीश पुलिस को करना है, पर पुलिस तो इतने दिन सो रहे थे, पुलिस को तो पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ चल रहा है। जबकि खुद ममता बनर्जी ने यह ऐलान किया था, पुलिस को ये निर्देश दिया गया था कि आप रेड करो, पुलिस सो रही थी, पुलिस को पता नहीं थी। यहाँ पे लोकल्स लोग का ये कहना है कि काफ़ी बार पुलिस को ये लोग बताए हैं पर कुछ नहीं हुआ। ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर यहाँ का पुलिस क्यों नींद में था और क्यों अभी ये लोग जाग के उठा। और 1 किलोमीटर जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ से 1 किलोमीटर दूर में एक ईंट भाटा है, वहाँ पर भी एक मॉडर्न इक्विप्ड फैक्ट्री टाइप का है जहाँ पर काफ़ी सारे बीकर्स लेबोरेटरी जैसे चीज़ हैं। ये और एक सवाल उठता है, क्या सिर्फ फायर क्रैकर्स में इतने सारे सामान की ज़रूरत है? और ये सारे सवाल बहुत बड़ा सवाल को खड़ा करता है। ये देखना है कि इसका जो इन्वेस्टिगेशन है वो किस तरीके जाए। 7 जान चला गया है और कई इंजर्ड भी हैं, पर क्या ये सब बंद होगा? यही सबसे बड़ा सवाल है।